सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करें जियो फोन की दोस्तों, हमारे डबल सिम स्लॉट की ऑन करने की। दोस्तों मैंने इसके अंदर सेटिंग्स है वो मैंने ऑन कर लिए, यानी दोस्तों डबल सिम स्लॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे AM और यहाँ पे 9:04 और यहाँ पे दो नंबर स्लॉट और यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्लॉट और यहाँ पे जियो 4G नहीं आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लॉक लगाता हूँ मोबाइल का, मोबाइल पे लॉक लगाने पे यहाँ पे आता है जियो 4G और नीचे दो नंबर स्लॉट के अंदर कोई सिम कार्ड नहीं है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले, ये मैंने कैसे कैसे इंस्टॉल किया, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर प्रोसेस देने वाला हूँ। यह दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर यानी क्या कुछ सेटिंग्स इसके अंदर बदली गई है और इसके अंदर मैंने क्या कुछ प्रोसेस किया तब जाके ये काम बना है। यानी देखो, एयरप्लेन मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, जियो लोकेशन, सिम प्रबंधक यानी सिम मैनेजर, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर सिम है और यहाँ पे सेकंड नंबर सिम स्लॉट है इसके अंदर, और यहाँ पे सिम सुरक्षा और आउटगोइंग मैसेज और आउटगोइंग कॉलिंग, यहाँ पे जियो 4G डाल रखा मैंने और यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड नहीं है। कॉल सेटिंग्स, यहाँ पे देखो जियो 4G के एक्सेस मांग रहा है और नीचे कोई सिम कार्ड नहीं है। चलो देख लेते हैं और आपको बताते हैं एक बार इसके अंदर। डिवाइस इंफॉर्मेशन के साथ जाते हैं और यहाँ पे देखो कोई भी, ये नंबर देखो यहाँ पे सिम 1 फर्स्ट यानी कि डाल रखा है। अधिक जानकारी पे जाने पे दोस्तों यहाँ पे हार्डवेयर क्वालकॉम, यानी देखो सिम फर्स्ट का और सिम सेकंड का उपलब्ध नहीं है, यानी सिम इसके अंदर डाल नहीं रखी है, और IMD नंबर उपलब्ध नहीं है सेकंड नंबर सिम के। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इसके अंदर चमत्कार, देख लेते हैं। कोई भी आप कॉलिंग करते हैं दोस्तों, देखते हैं ऊपर, देख दो दोस्तों ऊपर अलग ही आइकन आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर सिम और इसको लेते हैं हम बैक। हम आपको एक बार एक नंबर पे कॉल करते हैं, यानी जियो का नंबर, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर सिम से कॉलिंग हो रहा है, यानी मैंने इसको काट दिया गया है कॉल को मैंने, और आपको अब दोस्तों आपको मेन्यू प्रेस करना है एक बार और आपको जाना है इसके अंदर, अपने कॉन्टेक्ट के अंदर जा सकते हैं और यानी सिम फर्स्ट से या फिर सिम सेकंड से आप कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इसके अंदर स्लॉट नहीं दिया गया है, क्यों दोस्तों स्लॉट को एक कंपनी ने इसको रोक रखा है, यानी ओनली फॉर जियो 4G सिम ही इसके अंदर वर्क करे। दोस्तों इसके अंदर इस सेटिंग्स को मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इस सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद उसके अंदर डाटा सेलुलर ऑन करते हैं, उसके भी नई प्रोसेस आते हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर सिम मैनेजर, कॉल सेटिंग्स, मैसेज सेटिंग्स और सेलुलर डाटा सेटिंग्स। इसके अंदर डाटा कनेक्शन ऑन, नीचे आने पे सिम कार्ड 4G LTE के साथ, ऑपरेटर सेवाएं और यहाँ पे वोल्टी यानी LTE, 3G ऑटोमेटिक, 2G और यहाँ पे 3G प्रीपेड भी कर सकते हैं इसके अंदर, और ऑटो कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, हम 3G भी करते हैं जियो 4G सिम को। और देख अब दोस्तों आपके अंदर दोस्तों आपने इस सेटिंग आपको इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों, आपके क्या हो जाता है अपने मोबाइल के अंदर एयरटेल की सिम है वो भी वर्क करने लग जाती है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये तो दोस्तों मैसेजिंग सेटिंग, इसके अंदर जाते हैं एक बार, डिलीवरी रिपोर्ट, आउट कॉलिंग, देखो यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 के अंदर सिम डाल नहीं रखी, तब दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं आ रहे हैं। वापस ऊपर जाते हैं, सिम मैनेजर यानी यह अपना सिम है फर्स्ट और ये सेकेंड, सिम सिक्योरिटी, आउटगोइंग कॉलिंग और आउटगोइंग मैसेज। अब दोस्तों मैंने आपके इस सेटिंग के मैंने आपको बताई प्रोसेस, यानी इतने सारे प्रोसेस। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि मैंने सेटिंग को कैसे इंस्टॉल किया।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। यानी दोस्तों ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हैकर स्टोर को आपको ओपन करना है। यानी दोस्तों मैं पूरी यूट्यूब दोस्तों मैं ही बता रहा हूँ आपको, पहली बार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे कैसे आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर इसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पर आपको मिलना है सोशल, मिलेंगे गेम्स, मिलेंगे नीचे आना है आपको, कुछ भी प्रेस नहीं करना है यहाँ पे। अभी म्यूजिक और फोटोग्राफी फाइल मैनेजर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, आप इंस्टॉल कर पाएंगे मोबाइल के अंदर। आपको इस सेटिंग्स के अंदर प्रेस करना है। मैंने इस सेटिंग के अंदर प्रेस किया है। और आपको नीचे आना है, आपको हॉटस्पॉट ट्रेंडेड और आपको यहाँ पे मिलेगा सिम सिम टोंगल, इस पर आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है। इस तरह आपको प्रेस कर देने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, आपको यह आपके मोबाइल पे आ जाएगा। और उसके बाद अपने ओमनिस डी एप से आपको क्या करना है, सिम सेकंड उसके अंदर हमने इंस्टॉल कर लिया हमने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने अपने ब्राउज़र से गायब होते हैं बाहर। यानी ब्राउज़र को मैंने लेफ्ट किया है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जा रहा है आपको सिम फर्स्ट के अंदर तो 4G वोल्टेज चल रहा है, और दो सेकंड के अंदर कुछ नहीं है। ये दोस्तों मोबाइल थोड़ा हैंग सा हो गया है, आपको मेन्यू प्रेस करना है, अपने ओमनिस डी एप के अंदर जाना है आपको। ये रहा अपना ओमनिस डी एप। ये दोस्तों मैं आपको फुल प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, और अब आपको इस नीचे वाले को इंस्टॉल करना है, ये बोल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉलेड है। ये रहा सिम टॉगल, इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करोगे एक बार बीच वाला बटन प्रेस करना है आपको, यानी इस तरह सेटिंग वाज सेव डू यू वांट टू रिबूट टू अप्लाई इट नाउ, ठीक पे करने के बाद दोस्तों क्या करना है, मोबाइल आपका एक बार ऑफ हो जाएगा। और मैंने तो इसके अंदर सिम स्लॉट एक बार चालू कर रखा है दोस्तों, मैंने इसको इन्हें ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक बार रद्द कर रहा हूँ दोस्तों। आपको ओके कर देना, मोबाइल एक बार ऑफ होगा, और उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर अपने डबल सिम स्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। और उसके बाद आप इसके अंदर डबल सिम यानी जियो के सिम के स्थान पर आपको एयरटेल की या फिर वोडाफोन BSNL या फिर आइडिया की सिम चला पाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों ध्यान देना आपको दोस्तों, जो भी आप इस फर्स्ट नंबर स्लॉट के अंदर सिम डालते हैं, यानी दोस्तों अभी जियो की सिम चल रही है दोस्तों, इसके अंदर आप जब भी कोई नया सिम डालोगे वो 4G सिम होना चाहिए, तभी वर्क करेगा। यानी एयरटेल 4G, जियो 4G, इस तरह तो सिम होती है ना, आइडिया 4G, BSNL 4G आ गया अभी नहीं, अभी है मार्केट के अंदर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो करना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैंने आपके लिए फुल प्रोसेस के साथ डबल सिम स्लॉट का आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो धन्यवाद दोस्तों। और नीचे कुछ दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नया साथ। जय हिंद, जय भारत।